तो आज हम आपको बताएंगे कि एक लीड को आप अपने गोदाम के अंदर, आप अपने साउंड सेंटर के अंदर, आप इस लीड को कैसे ठीक करें। जो रनिंग यूज की जो लीडें आती है वो मिस्टेक करने लग जाती है, उसको आप अपने घर पे ही आप उसको कैसे ठीक करें। इसके लिए आपको एक तो ये आयरन चाहिएगा, एक पेस्ट चाहिएगा और एक ये रांकी चाहिएगा। ये हर टाइम साउंड वाले जितने भी मेरे भाई बंधु है वो अपने गोदाम में, अपने शॉप में आप रखें। ये छोटी छोटी चीजें आपको काफी पैसे बचा सकती है। अब जैसे ये लीड है, ये लीड मैं यहाँ लगा रहा हूँ ये मशीन के अंदर, और इस पे मैं चेक कर रहा हूँ। हेलो हेलो। ऐसे तो ये बोल रही है लेकिन ये प्रोग्राम के अंदर डिस्टर्ब करती है। कैसे? ये देखो, ये चर चर की आवाज आ रही है ना, ये इस वजह से ये प्रोग्राम के अंदर डिस्टर्ब करती है, जिससे आपका प्रोग्राम खराब हो जाता है। इसलिए आप प्रोग्राम होने के बाद आप घर पे लाके जितना भी प्रोग्राम निकाले, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 6-7 लीडें होती है, उनको आप चेक करके वापस बक्से के अंदर लगा के रखें, ताकि आपके प्रोग्राम में आपको दिक्कत ना आए। अब जैसे ये लीड, हेलो। वैसे कोई दिक्कत नहीं कर रही है, लेकिन ये यहां से दिक्कत कर रही है। मैंने इसको चेक किया है, ये इतना दूर का तार इसका मिस्टेक कर रहा है, ये यहां से कर रहा है, और यहां से पकड़ने के बाद हेलो। ये पूरा तार कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मतलब यहां तक कोई तार मिस्टेक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सही करेंगे। मैंने माउस से ये निकाल दिया है, इतना दूर का तार ये डिस्टर्ब कर रहा है। जहां मैं क्या करूंगा, यहां से इसको काट दूंगा, ठीक है। ये 25 फुट की लीड है, अगर 2 फुट इससे कम भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके सॉकेट को खोलेंगे। देखिए मित्रों, ये 2 नंबर का सॉकेट है और यहाँ पे मेन तार लगे हुए हैं, और जो ये 1 नंबर और ये जो 3 नंबर है इसके ऊपर, ये दोनों अर्थिंग का है। अब सबसे पहले हम आयरन की सहायता से इसको छुड़ा लेते हैं। ये देखो, ये मेन पॉइंट तार हो गया और ये हो गया यहाँ से, ये ठीक है मित्रों। अब हम क्या करेंगे, ये सॉकेट हमारा फ्री हो गया। अगर कोई बाहर दूसरी दुकान पे आप जाओगे तो वो क्या, मिस्त्री क्या करेंगे, 2 पैसा कमाने के लिए आपको बोलेंगे आपका सॉकेट खराब है और आपको नया सॉकेट जर देंगे, बल्कि आपका खुद का ये सॉकेट भी आपका ओके है। इसलिए ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं करनी है। ज़्यादातर साउंड का धंधा उन लोगों का उठ जाता है जो रिपेयरिंग खुद नहीं जानते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत रिपेयरिंग अगर खुद कर सकते हैं तो आप अच्छा पैसा आप अपने घर पे बचा सकते हैं। और क्योंकि साउंड के अंदर बहुत मेंटेनेंस आता है और बहुत कॉस्टली मेंटेनेंस होता है, इसलिए मित्रों हमारा यही उद्देश्य है कि हम हर एक छोटी चीज़ आपको बताएं, ताकि आपके प्रोग्राम में कहीं पर भी दिक्कत ना आए। आपको क्या करना है, आगे से इस लीड को छीन लेना है, ये लीड छीन लेना है। इसके अंदर देखो मित्रों किस तरह से आता है, जो ये जाली का लगा हुआ है ये आपका अर्थिंग का तार है। आपको ये जाली छुड़ा लेनी है, यहाँ से फ्री कर लेनी है। ये जाली यहाँ से हमने फ्री कर लिया, ये जाली फ्री हो गई है। इस अर्थिंग के तार को आप फोल्ड कर लीजिए, यहाँ से बंट खुवा दीजिए, हो गया। अब क्या करना है मित्रों, इसके अंदर 2 तार है, एक रेड कलर का और एक येलो कलर का, ये और इसके ये है धागे, कच्चा सूत जो आता है उस सूत के अंदर ये डले होते हैं। हमें ये कच्चा सूत यहाँ से काट देना है। अब हमारे पास 2 तार ये रह गए और 1 तार ये रह गया, ठीक है मित्रों। ये जो 2 है लाल और येलो, ये हमें सॉकेट के 2 नंबर पे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मोबाइल में दिख रहा है तो ये 2 नंबर का सॉकेट है, यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको छील लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, ये मशीन में लगा हुआ है इसलिए हमिंग कर रहा है। ये मैंने छील लिया है, और फिर पेस्ट की डब्बी, ये पेस्ट की डब्बी है, बड़ी डब्बी भी है, यहीं रखी हुई है, ये दिखाई नहीं दे रही है अभी मुझे, कोई बात नहीं, ये रही, मिल गई, ये बड़ी डब्बी पेस्ट की है, इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा लीजिए आप, ठीक है। और ये अर्थिंग के तार है, इस पर भी थोड़ा पेस्ट लगा लीजिए, ताकि रंग आपकी अच्छी सी इस पर सेट हो जाए।
मैंने थोड़ी सी रंग ली है और इसके ऊपर मैंने सेट कर दिया है। ये देखो ये सेट हो गया। इस पे रंग लगाने से ये होता है, इसके अंदर से छोटे छोटे जो तार होते हैं कॉपर के वो इधर उधर ना हो, आपस के अंदर हो जाए। इन दोनों को मैंने एक कर दिया है, ये एक कर दिया है। ठीक है मित्रों, अब हमें लेना है, सबसे पहले हमें ये वाला सॉकेट लीड के अंदर डालना है। ये डल गया और ये हमारी लीड बाहर निकल गई। ठीक है मित्रों, अब हमें, मैंने आपको कहा था दो नंबर का सॉकेट है आपका ये, इस दो नंबर के सॉकेट के ऊपर हमें ये जो ये लाल और येलो कलर के जो तार थे वो इस पे लगाने हैं और ये हमने इस पे सोल्ड कर दिए हैं। ये अच्छे से सोल्ड करना है मित्रों, कई बार ऐसा लग जाता है तो सोल्ड हो गया है लेकिन वो सोल्ड होता नहीं है, छूट जाता है। फिर ये देखिए ये हमारा अच्छे से सोल्ड हो गया है और जो ये अर्थिंग का तार है हमारा वो यहाँ पे, ये एक नंबर और तीन नंबर दोनों आपस के अंदर सोल्ड किए हुए हैं, इसलिए हम दोनों पे कहीं पर भी इसको सेट कर सकते हैं। ये हमने सेट कर दिया है इस पे, ये सेट हो गया। ठीक है मित्रों, ये हमारा ये छूट गया। देखो मैंने कहा था ना अच्छे से सेट नहीं होता है तो ये छूट जाता है, इसलिए आपको सोल्डिंग अच्छे से करनी है। ये आपका लीड एकदम तैयार है मित्रों और अब हम इसके अंदर डालेंगे। ये इसके अंदर एक खांचा दिया हुआ होता है, उस खांचे के अंदर, और ये जो सॉकेट है इसमें मित्रों ध्यान रखिएगा, ये जो पतला वाला हिस्सा है वो नीचे रहेगा और ये ऊपर मोटा वाला हिस्सा है ये ऊपर अंदर जाएगा। इसके अंदर ये घाट बना हुआ है, इसके अंदर भी एक घाट बना हुआ है, उस घाट के अंदर से अंदर डाल देना है और फिर आपकी ये लीड यहाँ से आप इसको अच्छी तरह कस दीजिए। इस तरह से आप लीड अपने घर पे बना सकते हो। अब इसके अंदर कोई भी चटचटाहट पड़पड़ाहट नहीं है मित्रों, अब माउथ में लगाएंगे, अपना लीड एकदम तैयार है। हेलो, चेक हो गया है और इतना करने से ही आप काफी पैसे अपने बचा सकते हैं। आज का वीडियो हमारा इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मैं और चंचल रंगावत आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।